spa there. चलो क्या सीन है यार, जाने मिलेगा कि नहीं। सो गाइज, इतना बड़ा वाला पोपट होगा ये कभी भी नहीं सोचा था। लो हाँ, बोला बोला। सबसे पहले काम यही करना पड़ता है कि बाइक हटाओ और फिर से पार्क करो इनका। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यो बॉय, हाँ समोर खूप गरम आहे। मी म्हणून रेनकोट नाही घातला, आता पावसाचं वातावरण नाही आहे। अरे हमारे अनिल सर, सर आज लेट, आप लेट आए आज। ये हैबिट तूने लगाई। सॉरी सॉरी, लेट झालं। तो ये अपने जयंत भाई और ये श्रेयस भाई, बाद में इंट्रोडक्शन कराते क्योंकि अभी लेट हो गया है। 6:39 निकलना था 6 बजे और अभी हो रहा है 6:39। हम लोग कहाँ पे जाने वाले इसकी स्टोरी मैं आपको रास्ते में बता दूँ। तो लेट्स गो। चलो, मज़ा आने वाला है। बहुत दिनों के बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं और एक लॉन्ग राइड, ऑफिशियल लॉन्ग राइड करने वाले हैं क्योंकि 3 महीने से हम लोग घर पे थे। ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद, अप्रैल क्या, मार्च के बाद हमने राइड ही नहीं किया था और फाइनली आज वो दिन आ चुका है। तो एंजॉय करने वाले और सेफली एंजॉय करने वाले, आराम से जाएंगे क्योंकि आगे चल के भी राइड करने हैं। किधर? ओके, तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं तामिनी घाट, जो तामिनी और मुलची के बीच में आता है। तामिनी घाट जाने के लिए 2 रूट्स है, एक अलीबाग वाला मुंबई गोवा हाईवे, दूसरा मतलब लोनावाला से आप जा सकते हो जैसे हम लोग अभी जाने वाले हैं, और लोनावाला एमबी वाली और उसके बाद तामिनी घाट आएगा। तो बेसिकली तामिनी घाट कह सकते हैं कि हिल स्टेशन काइंड ऑफ एरिया है, जहाँ पे वाटरफॉल, उसके बाद हरियाली, जंगल, ऐसा ही सब कुछ देखने मिलने वाला है। एंड इसकी सख्त ज़रूरत थी ऐसे लोकेशन की। अचानक बारिश शुरू हो गई है, रेनकोट पहनने के लिए रुक गया मैं क्योंकि जब रेनकोट पहनने वाला था तो इतना गर्म हो रहा था और तभी पहनने को नहीं हुआ। कोई नहीं, ये गोप्रो की पहली बारिश है और मैंने इसको प्रॉपरली एडेप्टर को कवर करके रखा है ऊपर, गोप्रो के ऊपर गुलान जी के इस पे सेलोटेप वगैरह लगा के रखा है। दूसरी बात मतलब कि थोड़ी सी मज़ेदार और फालतू जैसी भी बोल सकते हो है कि मेरा रेनकोट जो है ना नीचे से थोड़ा फटा हुआ है, बॉटम पे है। कल रात को सेलोटेप लगाता रहा, उसको सेलोटेप ख़त्म हो गई। सिर्फ मुंबई साइड में बारिश है और इधर देखा तो कुछ भी नहीं है। रेनकोट पहनने के सिर्फ 10 से 15 मिनट बाद बारिश बंद हो गई। जब पहनते तो बारिश नहीं आती है और निकाल देंगे तो फिर चालू हो जाती है। यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है, क्लियर के बाद फिर यहाँ पे सूरज देवता है। कभी भी ये लोनावाला वाले रास्ते से जाओगे ना तो ध्यान से जाना क्योंकि कैसा है कि यहाँ से देखो ये रॉन्ग साइड भी आते हैं, रॉन्ग है या राइट है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो साइड से भी लोग आते हैं हमेशा। तो कभी भी टर्निंग पे एटलीस्ट ओवरटेक मत करो, दोनों को नुकसान हो सकता है उससे। देखो फॉर्मेशन कैसा है, अनिल सर, अजिंक्य, मैं, श्रेयस और जैन दादा। हमारे पास इंटरकॉम नहीं है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है। जय माता दी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। शुरुआत मैंने पहले ही कर दी थी, अभी इंट्रो कर रहा हूँ। अजिंक्य, अनिल सर, जैन दादा, श्रेयस भाई, तो ये दोनों नए हैं आज राइड में। वैसे ये राइड करते हैं हर संडे को, लेकिन आज अपने साथ आए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं तामिनी घाट, जैसे आपको पहले भी बोला है।
तो अभी मौसम काफी अच्छा है और हम लोग रुके थे साठे मिसल में लोनावड़ा, अभी नाश्ता किया, अभी आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, तुमने पहले ही बोल दिया था क्या? पहले ही बोल दिया था क्या? चलो ठीक है। और एक बात, एक सीरियस क्वेश्चन, ये हमेशा पीछे रहता है, यही मेरी कंप्लेंट है, तो आप BMW कभी ले रहे हो नेक्स्ट ईयर? ट्रैम ट्रैम चलो चलते हैं। कितना खूबसूरत है, और ऊपर तो और भारी रहने वाला है, पानी भरा हुआ है ज़्यादा। दिस इज नॉट डन। यहाँ पे भी आके पोपट हुआ है, तो रेगुलर जो रोड है वहाँ पे एंट्री बंद थी, इसके लिए अभी हम लोग कोई तो गली में आए हैं आगे से, लेकिन ये ऊपर कहाँ पे जाएगी मालूम नहीं। अनिल सर लीड कर रहे हैं, जैन दादा ने लगा के रखा है गूगल मैप्स, स्विचिंग टू हिमालयन। खुला मैप पाई जाए, ये थोड़ा सा हल्का है, चलो मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी हमारे जयंत दादा मेरी बाइक चला रहे, अच्छी सूट कर रही है उनको, और मैं उनकी हिमालयन चलाने वाला हूँ। मेरे को एक जस्ट ट्रायल लेना था, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फर्स्ट टाइम है और धीरे धीरे चलानी पड़ेगी। अरे यार ये बंद पड़ रही है, टाइमर इसका कम है, बोल रहे जयंत भाई। अभी क्या है, आदत अपने डोमिनार की है ना अपने को, इसके लिए फिर ये थोड़ा सा यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट चलाते चलाते हो जाएगा। वो हैंडल तो एकदम भारी लगा के रखा है भाई ने, फुल एकदम हाइटेड है, क्योंकि लॉन्ग रूट अब जब जाते हो ना तो हैंडल जो हाइटेड रहता है वही काम में आता है। आ हा, ये एक्सप्रेस हाईवे, काश यहाँ से भी जाने मिलता। क्या सीन है यार, जाने मिलेगा कि नहीं? चलो एक शॉर्ट ब्रेक हो गया, पानी की बॉटल ले ली है इधर से, क्योंकि आगे जाके पानी की बॉटल मिलेगी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं, सो पहले ही ले लिया। अभी मैं मेरे डोमिनार पे और जैन दादा हमारे उनके बाइक पे, क्योंकि अरे क्या रे, अच्छा स्टैंड, घाट का रास्ता चालू हो गया है, तो संभल के जाओ। और हमेशा याद रखो कि टर्निंग पे ओवरटेक नहीं करना है, और हॉर्न देके ही जाओ अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो, ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं उसको। सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़ोटो निकालने के लिए रुके और इतने में बारिश आ गई, सबने रेनकोट पहना, बारिश गायब हो गई। लेकिन क्लाइमेट अच्छा है, जो एक्सपेक्टेड था वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक एक्सपेक्टेड हमको लोना वाला रूट था, लेकिन जाने नहीं मिला, कोई नहीं, यहाँ से ही चले जाएंगे, आते वक्त मोस्टली लोना वाला से आएंगे, होप फॉर द बेस्ट, हो जाएगा। One hour later. So guys, इतना बड़ा वाला पोपट होगा ये कभी भी नहीं सोचा था, जहाँ से हमने शुरू किया था, मतलब जो लोनावाला टाइगर पॉइंट जाने के लिए पुलिस लोग रुका रहे थे उधर ही हम लोग रिटर्न आए,
इधर से पीछे गए थे और अभी फिर से इधर आए। ओ भाई खतरनाक, बहुत बहुत सही, बहुत सही है, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी नहीं। चलो जिधर से गए थे फिर से उधर ही जाने गए, सिर्फ इस बार अंदर से जाना है पावना लेक के आसपास से। मैं ये नौसेना बाग देखा तभी मुझे डाउट आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये देखा देखा सा लग रहा है और दो दो अलग अलग पुलिस स्टेशन एक ही नाम से कैसे हो सकते हैं, और जब देखा तो वही था। ओ भाई हम लोग 6 घंटा हो गए निकल के, 1.5 घंटा है मैक्सिमम, 1-1.5 घंटा लगता है लोनावाला आने को। हम लोग 6 घंटे से लोनावाला घूम रहे हैं पूरा, अभी जितने भी लोनावाला के अंदर अंदर के रास्ते सब मालूम पड़ गए। हंसी आ रही है मेरे को खुद पे जो आज हमारे साथ हुआ है, बहुत अजीब हुआ, बहुत गंदा वाला सीन है ये। आहा क्या घाट है, वाह। वाह वाह वाह, पहुंच गए हम लोग, कामिनी पहुंच गए। हे भगवान। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है। देखो राइडिंग का मज़ा लेने हम लोग आए थे और वही चालू है, हम लोग राइड पे राइड किए जा रहे हैं। डेस्टिनेशन कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी देखा नहीं था ये भी देख लिया, मालूम तो पड़ गया, क्या बात है कि देखो कितना सुंदर है ये। वाह वाह वाह, नहीं सच्ची मैं बोल रहा हूँ बहुत सुंदर है, ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। आमचे सर समोर गेले आहेत तुम्हाला मगाशी पण सर जेवायला गेलेलो आम्ही, तिकडून आलो आहे सगळं तिथेच थांबलेलो। ऐक ना प्रेमाने ऐकतो, हां बोला बोला, गुन्हा दाखल करेल